तेरा बन जाए। बैठो। भाभी, अब आपकी तबीयत कैसी है? इसकी तबीयत बहुत है, मस्त है। अरे जानते नहीं हो, अच्छे अच्छों की तबीयत बिगाड़ सकती है ये। और ये में इसको बहुत मजा आता है। क्यों, सही कह रहे ना बेटा? चाप के सोए हो रात भर, सबकी नींद उड़ा के, समझे हो? ये नींबू पानी है, पी लो, अच्छा रहेगा। साला इस सारी बोलना भी कितनी बड़ी बेवकूफी है। अरे कैसे बोले? अरे नहीं भैया, नींबू पानी नहीं, भाभी कुछ खा लीजिए ना, कल रात को भी आप कुछ खा नहीं पाई थी। अरे इसलिए तो नींबू पानी बहुत जरूरी है। वो कहा ना कि रात भर जो ये खुमारी चढ़ी है ना, उतर जाएगी अच्छे से। लो पियो नींबू पानी। सर भारी है तो नींबू पानी पी लो और नाश्ता खाओ। अरे का नाश्ता करे हम, सर के बोझ से ज्यादा तो कलेजे का बोझ भारी पड़ रहा है। देखो कल रात को, कल रात के बाद छोड़ो, चलो कुछ खा लो। अभी सराफत का नाटक छोड़ो। और अगर हमसे नाराज हो ना तो गुस्सा काहे कर रहे हो हमको? अरे अगर हम कौनो गलती किए तो बताओ ना, ये अच्छा बनने का नाटक करके हमको चिढ़ा कह रहे हो? अरे बिना डांटे फटकारे ही रह नहीं सकता है। अरे काहे मीठी छुरी की तरह हमरे कलेजे को चीर रहा है साला। कितना समझाए के लाए थे तुमको, अपनी ये कैंची जैसी जबान मत चलाना, लेकिन तुम तो मानती नहीं हो। अपने हाथ से अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। एक बात तुम्हें समझ में नहीं आती कि तुम्हारा सब कुछ सही चलेगा ना तो हमरी भी सही चलेगी, वरना तुम्हारे साथ साथ हमरी भी बिगड़ेगी। तुमको मेरी बात समझ में आती नहीं है। तो आप बता दें, आखिरी बार बोल रहा, अगली बार से ही मत करना। ये रोज रोज की खिचखिच ना हमको पसंद नहीं बताए रहे, और ये बर्दाश्त भी नहीं करेंगे हम, ये भी बताए रहे। अपने आप को सुधार लो, समझो। अरे श्यामू, बच्चे हनीमून से कब लौट रहे हैं? माँ वो दादी, आप भी ना, हनीमून थोड़ी होता है, हनीमून होता है। हाँ हाँ वही हनीमून। माँ वो कल सवेरे वो लोग वहां से निकलेंगे, तो शाम तक यहाँ पहुंच ही जाना चाहिए उन लोगों। अरे इतनी जल्दी? सज्जन सिंह को तो अपने पैसे का इतना घमंड है, तो भेजा तो सिर्फ 3 दिन के लिए। अरे पैसे की इतनी गर्मी है तो कम से कम विदेश तो भेजता। हाँ दादी बिल्कुल सही। वैसे दादी ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, ये लोग ना बोलते बहुत है नहीं। वैसे दादी अगर वो लोग विदेश चले जाए और किसी ने इनसे कुछ पूछ लिया, ये लोग जवाब कैसे देंगे? हिंदी में, अंग्रेजी में या इलाहाबादी में? कस्बे चल बो। माँ आप भी बस, बच्चों को ऐसी बातों के लिए क्यों शह देती हैं? आपको कम से कम ये सोचना चाहिए, वो लोग जैसे भी हों अब हमारी प्रतिज्ञा के घर के लोग हैं वो। अरे तो हमने ऐसी कौन सी बात कर दी? भाई देखो आज का दिन तो हमें हंस लेने दो, कल से तो वो महारानी आकर इस घर पर ग्रहण लगाने वाली है, और तुम्हारी बीवी तो उसके आगे पीछे ऐसे घूमती है मानो जैसे वही इसकी सास हो। अरे आप लोग कैसे हैं? हम तो ठीक हैं, तुम कौन? आप हमें नहीं जानते लेकिन हम आप दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं। पता है कल आप इनसे इको पॉइंट पे आई लव यू बुलवा रहे थे, और ये नहीं बोल रही थी
अच्छा तो तुम वो दोनों भी वहीं पे थे हैं? देखा देखा कितना प्यार करती है हमसे, और सबके सामने जब चिल्लाई तो जमीन आसमान एक कर दिया। एक बात बताए थे तुमको कि हमको ना इनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। वो तो दिखता ही है, और सचमुच आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है। वैसे आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। अरे ये क्या कर रही हो? अरे नमस्ते काहे लिए, हाथ मिलाओ ना। वो क्या कहते हैं, हैंडशेक करो। तुमको भी हर बात समझानी पड़ती है। ले दियो, अरे हाथ मिलाओ यार। बेटा हमसे भी हाथ मिला लियो। ऐस करो चल बो। कैसा आदमी है यार, पूरा हाथ निचोड़ डाला। चलो कैमरा यहाँ आओ बेटा, छोड़ो यहाँ आओ। वो घबराओ नहीं जाओ बेटा, ये कैमरा तो ऐसे लटकाए हो जैसे कोनो स्टेन गन हो है। मतलब ये डिबिया से फोटो वोटो खींचते हो या बस ऐसे ही फोकस मारने के लिए? फोटो खींचते हो सर। अच्छा बिल्कुल, चलो वहाँ जाओ, वहाँ जाओ फोटो खींचो। एकदम धांसू फोटो समझो हैं? ये हमारी बीबी प्रतिज्ञा। एक मिनट अब बेटा एक बात बताए दे, फोटो अच्छी नहीं आई ना फिर हम तुम्हारी फिल्म बनाएंगे समझो, और पैसे नहीं देंगे वो अलग। चलो ठीक है, हैं ये हमारे हनीमून की यादगार खींचो। तुमको क्या हो गया? जानते हैं तुम्हारा शरीर एकदम फूल जैसा है, इन हमरे भी कोनो कांटे नहीं लगे हुए जो जख्मी हो जाओगी या छिल जाएगा। हर वक्त नौटंकी अन्नी मुन पे आए फोटो खिंचवाए रहे। हाँ खिंचवो बेटा खिंचवो, एकदम बढ़िया खींच दिए। आओ दिखाओ, ये है ये वाले। क्या कर रहे हो क्यों मार रहे हो उसे? नहीं तो घर ले जाएं, आरती कर लें इसकी हैं? अबे कब से समझा रहे हैं, मजाक समझी हुई है? अबे मुस्कुराती हुई फोटो चाहिए, मुस्कुराती हुई। अबे अब ढंग से फोटो खींच लेना वरना तुम्हारी फोटो पे ना बीबी हाथ चढ़ेगी तुम्हारा। शादी नहीं है अभी हमारी, पूरा मोहल्ला हाथ चढ़ाएगा पहले बता रहे हैं। जुबान मत लड़ाओ, फोटो खींचो। तो मूडवा खराब कर दिया यार। मैडम प्लीज आप इस फोटो में थोड़ा मुस्कुरा देना, नहीं तो ना तो मुझे पैसे मिलेंगे और मार जो पड़ेगी ऊपर से, और प्लीज मैडम। चलो पीछे, एक एक फोटो ही निकाली तुमने सुबह से। चलो पक्का बढ़िया। हाँ नहीं रुको रुको, यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ हाँ ऐसे ऐसे, ये पैरवा ऊपर। हाँ अब खींच, अरे यहाँ आओ। हाँ खींच दे, आ बेटा दिखा बो।
किए हो कायदे का काम है, अब खींचो फोटो। ये देखो अब कितनी बढ़िया लग रही है दोनों ऐसे मुस्कुराते हुए। अब ऐसे ही खींचते हैं फोटो, हम कराए तुमको कोरस का, समझ गए हो? हाँ सर, बोल रहे थे समझते नहीं हो तुम है। लो बताओ कितना पैसा हो गया? सर कुछ भी दे दीजिए सोच समझ के। अरे दानी, अबे हम इलाहाबाद से आए समझे बेटा, ये सब समझते हैं तुम्हारी पैसा कमाने की टेरेक, ज्यादा हमको मत सिखाओ। लियो चलो ऐसा करो।